नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज। दोस्तों, एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी आपको दे रहे हैं और बता दें कि किस तरीके से लगातार सड़क हादसे तो होते हैं जिनमें लोगों की जान जाती है, लेकिन बता दें एक हादसा कुछ इस तरीके से होता है कि व्यक्ति गाड़ी में जाता है और किस तरीके से गाड़ी में आग लगने के बाद जो है व्यक्ति जिंदा जल जाता है और उसका कंकाल जो है उसमें से बरामद होता है। आपको बता दें हरियाणा के पानीपत शहर में NH-44 GT रोड पर गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के बीच से गुजर रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर पर सरकारी अस्पताल के सामने एक चलती मारुति सिलेरियो कार में अचानक आग लग गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर युवक जिंदा जल गया। मौके से गुजर रहे लोगों ने कार में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम नंबर पर दी। सूचना मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ी मौके पर पहुंची। कार में लगी आग को काबू पाने में करीब 40 मिनट का समय लगा। आग बुझाने के बाद कार में ड्राइविंग सीट पर एक युवक जला हुआ मिला। जी हाँ, जला हुआ युवक मिला। और किस तरीके से बता दें कि गाड़ी जो है वो आग का गोला बनी हुई थी। राहगीरों का कहना है कि कार में आग इतनी तेजी से फैली कि इसमें सवार युवक बाहर ही नहीं निकल पाया। कार फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकरा गई और इसके बाद कार पलट गई और जिस तरीके से कुछ ही सेकंड में कार में आग जो है कार जो है वो आग का गोला बन जाती है। पुलिस ने किसी तरह शव को कार से बाहर निकाला और उसे एम्बुलेंस में सिविल अस्पताल भिजवाया। सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजबीर ने बताया कि मृतक की पहचान अनिल, जो कि 35 साल का है, निवासी गांव डंडोला पानीपत के रूप में हुई। उसका गांव में ही एक CSE सेंटर है। इसके अलावा SBI बैंक में भी प्राइवेट तौर पर आधार सेंटर खोला हुआ है। काम खत्म करके जो है व्यक्ति बताया जाता है वो वापस आ रहा था। पुलिस के अनुसार अनिल अपनी कार से गुरुवार दिन के समय घर से किसी काम के लिए निकला था। रात को वह काम खत्म कर घर लौट रहा था। पानीपत टोल से फ्लाईओवर से होते हुए वह गांव जा रहा था। रास्ते में जब वह एलिवेटेड हाईवे पर पहुंचा तो उसकी गाड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में डिवाइडर से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार पलट गई और उसमें आग लग गई। कार पलटने की वजह से वह बाहर नहीं निकल सका। इसमें उसकी जलकर मौत हो गई है। मृतक के दो जो हैं बच्चे बताए जा रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा ही दुखद हादसा जो है ये होता है। तो दोस्तों, हादसे के बाद जिस तरीके से गाड़ी में आग लग जाती है, बड़ी ही दुखद मौत जो है युवक की हुई है। 35 साल का था और किस तरीके से जो है गांव में अपना CSE सेंटर भी जो है वो चला रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जो है उसके परिवार के लिए भी काफी ज्यादा समस्या है, क्योंकि बता रहे हैं दो छोटे छोटे बच्चे भी युवक के हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और नेशनल हाईवे पर या कहीं पर भी गाड़ी चला रहे हैं कोशिश करें ध्यान से गाड़ी को चलाएं, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय।